जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब, आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त जोश और जुनून से आप लोग तैयारी करते रहिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीत ली, सूर्य बनकर वही सुबह निकलता है। मेरे दोस्त आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त उसके लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से पोषण आज हम वीडियो 1 पढ़ेंगे। मेरे दोस्त जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, लाइक कीजिए। जो भी मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए हम लोग बगैर टाइम गंवाते हुए आगे बढ़े मेरे दोस्त। अब हम लोग पहले जानेंगे जो पोषण है मेरे दोस्त, पोषण कहते किसे है मेरे दोस्त? पोषण उसे कहते हैं भोजन करने के जो तरीके होते हैं जिससे मेरे दोस्त हम लोगों को, मान लीजिए भोजन हम लोग जब ग्रहण करते हैं से तब तो जिन को ग्रहण करने से शरीर में मेरे दोस्त ऊर्जा प्राप्त हो उसे हम पोषण कहते हैं मेरे दोस्त। आप लोग समझ गए होंगे पोषण अब किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो मेरे दोस्त जो पोषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है दीर्घमात्रिक पोषक तत्व, दूसरा होता है मेरे दोस्त सूक्ष्म मात्रिक होता है मेरे दोस्त। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक के पोषक तत्वों के बारे में। देखिए मेरे दोस्त आप लोग दिमाग में आता है मेरे दोस्त हम लोगों को कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे जल्दी किससे मिलती है, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में मेरे दोस्त। देखिए पोषक तत्व तो सबसे अधिक मात्रा जो जरूरी होती है मेरे दोस्त, इसमें से दो है सबसे जरूरी जो होती है मेरे दोस्त, सबसे जरूरी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कौन सा पोषक तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में जरूरी होती है, कौन सा पोषक तत्व तो सबसे अधिक मात्रा में जरूरी होती है? तो होता है मेरे दोस्त दीर्घमात्रिक पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी होती है मेरे दोस्त। उससे कम जो जरूरी होती है मेरे दोस्त, यह जो है उससे कम जरूरी होती है सूक्ष्म मात्रिक। सबसे ज्यादा जरूरी होती है दीर्घ मात्रिक, उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक जरूरी होती है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि जो मेरे दोस्त मानव की प्रोटीन जो होती है एक दिन में हमको कितना तक लेना चाहिए मेरे दोस्त। जो कार्बोहाइड्रेट है हम लोगों को 350 ग्राम पर रोज लेना चाहिए, और जो प्रोटीन होता है मेरे दोस्त वो 70 ग्राम लेना चाहिए, और वसा 75 ग्राम लेना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, जो कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन जो लिया जाता है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्त लिया जाता है वो 350 ग्राम लिया जाता है मेरे दोस्त। सबसे जल्दी जो ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट देता है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पहले हम लोग जान ले प्रोटीन मेरे दोस्त जो होती है प्रोटीन रोज कम से कम मिनिमम 70 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए, और वसा जो है मेरे दोस्त वसा जो मेरे दोस्त होता है वसा जो लेना चाहिए 75 ग्राम लेना चाहिए मेरे दोस्त। देखिए
पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। जो हम लोग पोषण करते हैं यानी खाना भोजन उत्पन्न करते हैं, जो ऊर्जा देती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण जो होती है दो प्रकार के होती है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व तो, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व तो। तो मेरे दोस्त कौन जो पोषक तत्व तो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है दीर्घ मात्रिक, और कम मात्रा में जरूरी होती है सूक्ष्म मात्रिक। प्रतिदिन हमको कार्बोहाइड्रेट 350 ग्राम लेना चाहिए और प्रोटीन जो है 70 ग्राम लेना चाहिए, वसा 75 ग्राम लेना चाहिए। मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे दोस्त जोश और जुनून से तैयारी कीजिए, ये मत सोचिए मेरे दोस्त कि कब मेरा एग्जाम होगा, डेट नहीं दिया, डेट आ रहा है। मेरे दोस्त कोई गारंटी नहीं है कब एग्जाम होगा, कब दौड़ होगा। आप लोग जोश और जुनून से इतना तैयारी कर लीजिए मेरे दोस्त कि ये जो मौका है गंवा ना पाए। इसलिए कि मेरे दोस्त जिसके पास दम होता है वही भारत माता के लिए वहां सरहद पर जाता है भारत माता की सेवा करने के लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त ऊर्जा के कुछ चीज है जो स्रोत नहीं होते हैं। मेरे दोस्त जो विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जल होते हैं, रेशे होते हैं, जैसे मैं हम लोग जान लेते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन कौन नहीं होते हैं। ऊर्जा की स्रोत नहीं होता है तो मेरे दोस्त जो ऊर्जा के स्रोत, ये तो जो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं जो हमारे विटामिन सबसे रिलेटेड पढ़े हैं वो विटामिन के से बहुत क्वेश्चन बना है मेरे दोस्त। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे विटामिन तो कुछ नहीं देता, और जो नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को देखें। और खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण, और होते हैं जल, रेशे। मेरे दोस्त ये जो होते हैं ये कोई ऊर्जा देवे नहीं करते हैं, कोई इससे फायदा नहीं है, लेकिन जरूरी है मेरे दोस्त। इसे स्रोत, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है मगर जरूरी है, जल ही जीवन है। देखिए मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है मेरे दोस्त किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मेरे दोस्त जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो होता है तीन चीजों से मिलकर होता है मेरे दोस्त। एक नंबर में आता है कार्बन, उसके बाद होता है हाइड्रोजन के बाद मेरे दोस्त आता है ऑक्सीजन। देखिए मेरे दोस्त ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये ऐसे भी दे सकता है मेरे दोस्त। आप लोग दोनों याद रखिएगा, जैसे पूछे हम लोगों किसी तरह। अब की बार जाना है सरहद पर और भारत माता की हम लोगों को रक्षा करना है। चलिए हम लोग अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो सूत्र होती है क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की सूत्र जो होती है मेरे दोस्त वो होती है CnH2NOn होती है कार्बोहाइड्रेट के सूत्र। मेरे दोस्त देखिए अब हम लोग जानेंगे सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। मेरे दोस्त जो ऊर्जा, ये कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे जल्दी ऊर्जा देता है, सबसे कम ऊर्जा देता है मेरे दोस्त, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा देता है तो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट जहां ऑप्शन में नहीं देगा मेरे दोस्त तो देखिएगा ग्लूकोज जरूर देगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेरे दोस्त वो होता है ग्लूकोज।
मेरे दोस्त, इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6 H12 O6 होता है। इसका सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं। जो मेरे दोस्त सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे अधिक जो पाया जाता है मेरे दोस्त, वो पाया जाता है आलू में, आलू, चावल और गेहूं में मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब मेरे दोस्त जो ये कार्बोहाइड्रेट, यह आसानी से अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर यह सबसे ज्यादा, सबसे तुरंत यानी जल्दी जो ऊर्जा प्रदान करता है, यह है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज भी, ग्लूकोज अगर जो कार्बोहाइड्रेट जहाँ नहीं देगा वहाँ ग्लूकोज जरूर देगा मेरे दोस्त। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, यह जो है कार्बोहाइड्रेट, अगर जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लिया जाए तो मेरे दोस्त इससे कैलोरी जो बनता है 4 किलो कैलोरी बनता है, केजी कैलोरी कैलोरी इससे मिलता है। इसे जो कैलोरी मिलता है 4 केजी कैलोरी मिलता है, किलो कैलोरी मिलता है। देखिए मेरे दोस्त, ऊर्जा की स्रोत नहीं होते विटामिन, खनिज, लवण, जल, जैसे इसके बारे में और जो विटामिन के बारे में बढ़िया से जानना है मेरे दोस्त, विटामिन प्राप्त किसे होते हैं, विटामिन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हमारे वीडियो को देखे, जाकर हमारे चैनल पर देखिए। जो कार्बोहाइड्रेट होती है मेरे दोस्त, का निर्माण जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है, जिसे हम CHO दर्शाते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CnH2nOn होता है मेरे दोस्त। देखिए, सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कहते हैं, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है आलू और गेहूं, चावल में पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग 4 किलो कैलोरी हमको मिलता है मेरे दोस्त। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, ताकि आपको लोगों को इस लिखने में आसान रहे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जोश और जुनून से तैयारी करते रहे मेरे दोस्त, इसलिए कि जिंदगी में कुछ नहीं है, सफल रहोगे मेरे दोस्त सब कोई पूछेगा, और नहीं रहोगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए कि आप लोग दूसरे के बहकावे में न आए और दूसरे के फेर में न रहें, बस मेरे दोस्त अपना जोश और जुनून से आप लोग तैयारी करते रहिए। इसलिए कि आखिर बार किसी तरह अगर दौड़ हो भी जाए तो रिटर्न में ना छटे, इसलिए कि आप लोग शुरू से तैयारी कीजिए। नहीं तो जो लोग रिटर्न से छटते हैं मेरे दोस्त, उससे पूछिए कि हाल क्या होता है। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे, वो तो हम लोग जान गए, 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट देता है मेरे दोस्त। जो खिलाड़ी होते हैं उन लोग जो दौड़ने, वो लोग जो खेलने जाते हैं उससे पहले भी लेते हैं, चाहे आप लोग देखे होंगे जो खिलाड़ी बीच में पानी जाता है उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिलाया हुआ रहता है, उन लोगों के लिए जरूरी होता है, इसीलिए उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज घोल कर दिया जाता है। वो तत्काल ऊर्जा देता है मेरे दोस्त, तत्काल ऊर्जा बहुत जल्दी वो दे देता है, इसीलिए उन लोगों को दिया जाता है। अधिक मात्रा में अगर जो मेरे दोस्त ग्लूकोज को, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लूकोज को देखिए मेरे दोस्त, ग्लूकोज को अगर अधिक मात्रा में सेवन करने पर मेरे दोस्त, ये जब हम लोग अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो यह चेंज हो जाता है, यह जो है चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में, यह क्या होता है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन में चेंज होता है तो ये संचित हो जाता है यकृत और मांसपेशियों में, यकृत और मांसपेशियों में यह संचित हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, ग्लूकोज जो है अगर जो हम लोग ज्यादा मात्रा में लेंगे, यह क्या होता है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, यकृत मांसपेशियों में संचित हो जाता है, और ग्लूकोज की कमी होती है तो फिर यह तोड़कर जो होती है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। देखिए मेरे दोस्त, मानव रक्त में
क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, जैसे आप लोग सुने होंगे शुगर हो जाता है, तो ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तो मेरे दोस्त शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त, जो ग्लूकोज की शराब होती है वो देखिए, मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त, वो है ग्लूकोज। मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मेरे दोस्त जो होता है वो होता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो पाया जाता है मेरे दोस्त मानव रक्त में, कोशिका शर्करा में पाया जाता है मेरे दोस्त। रक्त शर्करा भी इसे कहते हैं। अगर जो पूछ दे कि रक्त शर्करा किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त रक्त शर्करा, जो रक्त शर्करा होती है मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं रक्त शर्करा। अब देखिए मेरे दोस्त, जो गन्ने में होती है उसमें कौन सा शर्करा पाई जाती है, ये जो मेरे दोस्त है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं, जैसे गन्ने में, गन्ने की रस में शर्करा जो पाई जाती है, गन्ने में शर्करा जो पाई जाती है मेरे दोस्त, उसका नाम होता है सुक्रोज। गन्ने में जो पाई जाती है वो सुक्रोज शर्करा होती है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो मेरे दोस्त दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। मेरे दोस्त किससे मापते हैं दूध की शुद्धता, किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। जब लैक्टोमीटर से मापते हैं तो उसमें पाया क्या जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, आराम से याद रखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, चना या जौ में जो पाया जाता है, चना या जौ, जौ में जो शर्करा पाया जाता है मेरे दोस्त वो होता है माल्टोज। इसमें माल्टोज पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त शहद में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो मेरे दोस्त जो शहद में पाया जाता है, शहद में जो शर्करा पाया जाता है मेरे दोस्त वो होता है फ्रुक्टोज। सबसे मीठी शर्करा मेरे दोस्त वो होता है फ्रुक्टोज होता है। देखिए ये जो होता है सबसे मीठी शर्करा में आता है, यह फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज को हम कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे, एक जो होता है वो होता है मोनोसेकेराइड, मोनो मोनोसेकेराइड होता है। दो नंबर में आता है मेरे दोस्त डाई सेकेराइड। मेरे दोस्त ये हम लोग, हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था इसीलिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं, इसलिए कि क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लूकोज कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, ग्लूकोज तीन प्रकार के होते हैं। इससे डीपली नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये बहुत डीपली है, ओलिगो सेकेराइड, ओलिगो सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाई सेकेराइड, ओलिगो सेकेराइड। मेरे दोस्त ये तीन जो ग्लूकोज ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए ग्लूकोज को अधिक मात्रा में सेवन करने पर चेंज होता है ग्लाइकोजन, यकृत मांसपेशियों में संचित हो जाता है, संचित यानी संग्रहित हो जाता है। अब देखिए मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो मेरे दोस्त मानव रक्त में जो पाई जाती है ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे रक्त शर्करा किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त आसानी से आप लोग बताइएगा रक्त शर्करा किसे कहते हैं, रक्त शर्करा ग्लूकोज को, ग्लूकोज में जो होती है रक्त शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है रक्त शर्करा। अब देखिए मेरे दोस्त, जो ग्लूकोज शर्करा है, और जो ग्लूकोज जो होती है मेरे दोस्त यही बढ़ जाती है जब,
ये घट जाती है तो ये जब डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर हो जाता है। गन्ने में शर्करा जो होती है वो सुक्रोज होती है, दूध में लैक्टोज होती है। लैक्टोज मेरे दोस्त दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, हम लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। चना जौ में जो होता है मेरे दोस्त माल्टोज होता है। अब हम लोग देखेंगे शहद, यानी शहद जो होता है मेरे दोस्त फ्रुक्टोज, सबसे मीठा शर्करा ये है जो शहद है उसमें सबसे मीठा शर्करा मेरे दोस्त माना गया है, इसको फ्रुक्टोज को माना गया है मेरे दोस्त। ये जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, यह जो है कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड मेरे दोस्त। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, पोषण से संबंधित पार्ट 2 लेकर हम आएंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।